अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटर नवीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा नोटिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड देखें, सवाल सबसे पहला ये है कि अगर आपके 100 सब्सक्राइबर हैं, 50 हैं, 150 हैं, जितने भी हैं, अगर हैं तो फिर व्यूज़ क्यों नहीं आते, या तो वो आपको सब्सक्राइब ना करते, बट अगर सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस हुआ है तो फिर व्यूज़ क्यों नहीं आते। तो फ्रेंड, इसका सिंपल सा जवाब है कि जब भी हम न्यू यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो पहली कोशिश ये होती है कि जी किसी तरीके से सब्सक्राइबर आ जाएं। तो हम लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप के ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, ठीक है जी, इधर भाग उधर भाग, तो मेरा सब्सक्राइब कर मैं तेरा करूँगा। तो फ्रेंड देखें कि जब आपकी कोशिश ही ये है कि यार आपने सिर्फ सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, कॉन्टेंट को देखने ही नहीं है, तो कहाँ से व्यूज़ आएंगे। तो फ्रेंड, अब जिस बंदे के पास आप गए कि जी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, वो भी पूरा उस्ताद होता है, उन लोगों ने एक रफ चैनल बनाया होता है जीमेल का अकाउंट, उससे वो आपको सब्सक्राइब कर लेते हैं। अब वो सिर्फ आपका चैनल थोड़ी सब्सक्राइब करता होगा, उसने दिन में हजारों करने हैं, क्या वो हजारों लोगों की वीडियो देखता होगा? कभी नहीं देखता होगा। तो यार इसी तरीके से इधर वाले ने भी रफ चैनल बनाया होता है जीमेल का अकाउंट, उसने भी रफ जीमेल का अकाउंट बनाया होता है, ना बेल आइकन को ये ऑल पे सेट करते हैं, ना वो करता है, ना व्यूज इसके आते हैं ना उसके आते हैं, बस सब्सक्राइबर पूरे हुए पड़े हैं। तो फ्रेंड सबसे पहली चीज, कभी भी मांग कर सब्सक्राइबर न करवाया करें लोगों से, क्योंकि यार देखें कि जो लोग सब्सक्राइब करते हैं ना वो भी इंसान है, ठीक है, और इंसानों को जीता जाता है, खरीदा नहीं जाता। फ्रेंड दूसरे नंबर पर जो चीज है वो ये है, इसके अंदर आपने एक छोटी सी वीडियो बनानी है, इसी वीडियो के अंदर आपने जो सेटिंग बता रहा हूँ यही आपने उस वीडियो के अंदर बतानी है, ताकि आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो इस वीडियो को देखकर वो छोटी सी सेटिंग वो ऑन कर लें। फ्रेंड आपने करना ये है, बताना ये है, अब आपने अपने व्यूवर को ये बताना है कि आप अपने चैनल की प्रोफाइल पर क्लिक करें, यानी कि जहाँ पर आपका लोगो होता है उसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है सेटिंग के ऊपर। जैसे आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, ताकि किसी यूट्यूबर की आपको नोटिफिकेशन आए या ना आए, तो आपने ये वाला जो चेक है, ये जो आपको बटन नज़र आ रहा है, तो इसको आपने ऑन करना है, इनेबल करना है, ताकि लोगों की नोटिफिकेशन, आपकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सकें। अगर आप ये वाला जो बटन है, ये जो आपको नज़र आ रहा है नीले कलर का, अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो आपको किसी की भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी, बेशक आपने उसको सब्सक्राइब किया हुआ है। तो ये वीडियो बना के आपने अपने सब्सक्राइबर को समझाना है कि सर जी आप ये वाला चेक लगा दें, ये वाला बटन ऑन कर दें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको आ सके। दोस्तों तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो ये है कि जब भी आप अपनी वीडियो को अपलोड करें, जब आप अपने क्रोम ब्राउजर से अपनी वीडियो को अपलोड करोगे, तो ये बटन ऑप्शन आपको नजर आएगा, जो मेरे इस साइड पर आपको नजर आ रहा है। तो इसका ये जो चेक है, ये आपने चेक लगा देना है। अगर ये वाला चेक आप नहीं लगाते, फिर भी आपका नोटिफिकेशन आपके सब्सक्राइबर तक नहीं जाता। यार जब नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा तो व्यूज कहाँ से आएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा आपकी वीडियो आई है या नहीं आई। तो ये वाला आपने चेक लगाना है, छोटी सी वीडियो बनानी है, उसके अंदर बताना है कि भाई आपने ये वाला चेक जो है वो लगा लें। और तीसरा ये कि यार कभी भी सब्सक्राइबर मांग के ना करें, उनके ऊपर व्यूज नहीं आते। फ्रेंड ये तीन चीजें थी नोटिफिकेशन के हवाले से, अगर आपका नोटिफिकेशन जाएगा तो व्यूज आएंगे ना, तो ये सेटिंग करें और छोटी सी वीडियो बनाएं, लोगों को बताएं, तो आपके जो व्यूज हैं वो जरूर आएंगे और नोटिफिकेशन भी जाएगा जो। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू थे तो सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।